महापर्व छठ पूजा का एक बेहतरीन नजारा कोरिया जिले के गड़ेलपारा जामपार और साथ ही में स्थित छठ घाट पर देखने को मिला, जहां के आयोजक नेता प्रतिपक्ष अन्नपूर्णा प्रभाकर सिंह ने इस महापर्व के लिए भव्य आयोजन किया। इस छठ घाट में बनारस से आए हुए पुरोहितों ने भव्य रूप से संध्याकालीन व प्रातःकालीन गंगा आरती भी की, जिसकी शुरुआत क्षेत्रीय विधायक अंबिका सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष अन्नपूर्णा प्रभाकर सिंह और साथ में सहकारी समिति अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने पूजा अर्चना करके की। साथ ही यहां पर जगराते की मनमोहक झलकियां भी देखने को मिली, जो कि काफी आकर्षण का केंद्र रहा। अगर बात की जाए व्रत की मान्यता की, तो छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, और जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए, ऐसी मान्यता मानी जाती है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए समान तौर पर महिला यह व्रत रखती है। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व में माताएं अपने बच्चे, अपने पति और अपने परिवार के लिए, उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए ये निर्जला व्रत रखती हैं। आज हम शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिए हैं और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, और सुख समृद्धि की कामना के साथ यह छठ का पर्व संपन्न होगा। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी क्षेत्रवासियों, मेरे नगरवासियों की ये मांग थी कि गंगा आरती यहाँ हो, तो हम पूजा के साथ साथ एक गंगा आरती भी यहाँ आयोजन कराएं।